फतेहपुर शेखावाटी के निकटवर्ती ग्राम गोरास के रहने वाले विक्रम सिंह शेखावत वर्तमान में जयपुर में लोहे का व्यवसाय करते हैं। लॉकडाउन होने की वजह से विक्रम सिंह शेखावत ने असहाय लोगों की सेवा करने की ठानी और 25 मार्च से ही जरूरतमंद लोगों के लिए अपने घर पर ही भोजन बनाकर हर रोज लगभग 3000 लोगों को जयपुर के कई क्षेत्र जैसे शामनगर, मुरलीपुरा, बेनाड रोड, लोहा मंडी, विजयनगर, दादी का फाटक, दौलतपुरा रोड, भैरू जी का मंदिर, SMS हॉस्पिटल, JK लॉन हॉस्पिटल, जनाना हॉस्पिटल सहित अन्य जगह जाकर जरूरतमंद लोगों को भोजन वितरित करते हैं। विक्रम सिंह ने बताया कि शुरू में 500 लोगों के लिए खाना बनाया जाता था, लेकिन अब बढ़ते बढ़ते यह 3000 लोगों तक पहुंच गया है। इसके अलावा सुबह शाम चाय और नाश्ता भी करवाया जा रहा है। ये मेरा SMS, JK लोन महिला चिकित्सालय और ये जनाना हॉस्पिटल श्यामनगर बेनार रोड पे, मुरलीपुरा है, लोहा मंडी, दौलतपुरा रोड और कुछ एरिया अपने एक नंबर का VK का। कुछ भाई लोग हैं जिनका किसी का आटा आया हुआ है, किसी का पीपा तेल का आया हुआ है। इधर हमारी श्यामनगर में भी तकरीबन 500 लोग आते हैं खाना लेने हम लोगों से। इसके अलावा हम लोग रोड पे जितने भी हैं, दाढ़ी के फाटक, नाड़ी के फाटक, बेनार रोड, ऐसा भी हमारा खाना जाता है। ये खाना बनाते हुए हमें 47 दिन हो गए हैं और ये खाना बनाने के ये जगह जगह बांटते हैं और कुछ जगह ऐसी है जहाँ ये खाना पहुँचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पूरे कार्य के लिए 4 हलवाई, विक्रम सिंह की पत्नी आशा शेखावत तथा 2 बच्चे जयवीर तथा कमल इस कार्य में उनकी मदद करते हैं। विक्रम सिंह का मानना है कि जब तक लॉकडाउन रहेगा वह इस कार्य को सुचारू रूप से चालू रखेंगे। शेखावाटी के सेठ, साहूकारों और भामाशाहों का नाम पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इसी परंपरा को जयपुर में रहकर विक्रम सिंह शेखावत जरूरतमंद लोगों की सेवा करके शेखावाटी का नाम रोशन कर रहे हैं।